इफ यू वॉन्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में गूगल न्यूज़ के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि कई लोगों को दिक्कतें आ रही थी जो मेरे को भी एक टाइम में आई थी, और हो सकता है वो आज भी हमें दिखे। तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे डेमो ब्लॉग के ऊपर जो हम लोगों ने बनाया है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो ये दोनों थीम में हम लोग अभी तक ब्लॉग बना चुके हैं, और भी आगे थीम आने वाली हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। आज हम लोग इसको बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस ब्लॉग के लिए गूगल न्यूज़ पे अप्लाई करेंगे। नाउ, गूगल न्यूज़ 90% ब्लॉग को अप्रूव दे देता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की वेबसाइट जो है वो newsandtrick.in, इसमें मेरे को अप्रूवल मिल चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अप्रूवल के लिए भेजते हैं, वो भी ब्लॉगर के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसकी एक फीड यूआरएल हमको जनरेट करनी पड़ती है। ये हमारा एक ब्लॉग है, मैं आपको इसको ओरिजिनल साइज में दिखाऊंगा। ओके, तो ये हमारा जो ब्लॉग है इसके लिए हमको गूगल न्यूज़ पे अप्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं न्यू टैब में जाऊंगा, और हमको फीड जनरेट करनी है इस ब्लॉग की। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं फीड्स में जाऊंगा, जिसका नाम है फीड बर्नर। यह आप गूगल में सर्च करेंगे या आपको बोलेंगे तो मैं आपको इसका यूआरएल नीचे लिंक में दे दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं। अब हमको इस ब्लॉग को गूगल न्यूज़ में अप्रूव करने से पहले इसकी फीड्स बनानी पड़ती है। फीड मतलब ये जो पोस्ट हैं ये फीड बर्नर में स्टोर हो जाएंगे, और उसकी एक आरएसएस फीड की लिंक हमें मिल जाएगी। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है फीड बर्नर में, और यहाँ पर बर्न अ फीड राइट दिस इंस्टेंटली, टाइप योर ब्लॉग और फीड एड्रेस हियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके सबसे पहले अपना यूआरएल देना है। हमारे यूआरएल का नाम है फिलहाल के लिए volta-mrprogrammer.blogspot.com। तो इसको मैं कॉपी करूँगा पूरे HTTPS के साथ, और यहाँ आके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा आई एम पॉडकास्टर, और आप चाहें तो इसे नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ यूआरएल से मतलब है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमें तीन ऑप्शन दे रहा है कि हमको कौन सा फीड पसंद है। तो हमको चाहिए अपना आरएसएस फीड, तो हम यहाँ आरएसएस में सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आरएसएस में सिलेक्ट करने के बाद हमने किया नेक्स्ट। अभी आपको आपके फीड का टाइटल बोल रहा है। आप चाहें तो अपने ब्लॉग का नाम बस दे दें, और यहाँ पर आपको ब्लॉग का एक एड्रेस बनाना रहता है, तो आप अपना नाम या ब्लॉग का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। हो सकता है ये एड्रेस आपको यहाँ पर ना मिले, तो आपको दूसरा एड्रेस लिखना पड़े, जैसे कि ब्लॉग थीम में एड्रेस चूज करते टाइम होता है। तो फिलहाल हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये वाला एड्रेस फीड के लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो सिंपल से हम लोग नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अब देखिए, कॉन्ग्रेट्स, योर फीड्स इज नाउ लाइव। ओके, तो अब हमारा जो फीड है वो लाइव हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी फीड में कुछ होगा नहीं गाइस, क्योंकि हमने देखिए आ चुका है, अभी आ गया, सारे पोस्ट लोड हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके में ऐसा हो रहा है कि आपके पोस्ट लोड नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। इसको नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका फीड्स लोड नहीं हुआ है तो आपको करना ये है, ऑप्टिमाइज में जाना है, और यहाँ पर आपको अपने योर फीड्स में जाना है, और यहाँ पर आपको आपकी फीड्स फिर दिखेंगी, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो ये फीड का यूआरएल होता है, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आपने ये टैब गलती से बंद भी कर दिया होगा ऐसे, तो कैसे दिखाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सिंपल से फीड बर्नर में वापस से आ जाना है। फीड बर्नर में आने के बाद
आपको यहाँ पर ही आपके नाम दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे को मेरा दिख गया फीड, और ये यहाँ पर आपको फीड का यूआरएल मिल जाएगा। इस फीड के यूआरएल की ज़रूरत है हमें, तो मैं इसको कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं 1 सेकेंड के लिए लिख लेता हूँ फीड यूआरएल। तो गाइस हमारे फीड का यूआरएल आ चुका है, अब हमको चलना है डायरेक्ट गूगल न्यूज़ पे। तो फिर से मैं न्यू टैब में जाके गूगल न्यूज़ लिखूंगा और पब्लिशर सेंटर, तो पब्लिशर, तो गूगल न्यूज़ पब्लिशर सर्च करते ही पहला रिजल्ट आता है पब्लिशर सेंटर गूगल। इसको हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ मेरा डायरेक्टली लॉगिन हो चुका है। पर अगर आपके केस में ऐसा नहीं होता है तो आपको आपका गूगल अकाउंट मिल जाएगा और आपको सिंपल से उसमें लॉगिन कर लेना है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको ऐड पब्लिकेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आने के बाद अपना पब्लिकेशन का नाम देना है, जो कि सिंपल सा मतलब होता है कि आपको आपके वेबसाइट की नेम प्रोवाइड करनी है। तो गाइस ये पोस्ट जो है मेरे कॉपीड हैं, तो मैं आपको 100% बता देता हूँ कि ये गूगल न्यूज़ से मोस्ट 99% चांस कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे खुद के कंटेंट नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेमो के लिए वेबसाइट बनाई गई है इसीलिए। तो मैं यहाँ पर अपना नाम दूंगा पब्लिशर ना नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो नेम। आपको अपना वेबसाइट का नाम देना है, जिस वेबसाइट से आपका नाम है, मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी वेबसाइट का जो टाइटल होगा वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है, ठीक है। डेमो मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, इसलिए मैं अभी आपको पूरा स्टेप्स बस दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डेमो थीम लिख दूंगा। सेकेंड ऑप्शन आता है आपके वेबसाइट की प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि यूज द यूआरएल फॉर द मेन वेबसाइट दैट पब्लिकेशन इज कनेक्टेड टू। इसका मतलब यह है कि आपके वेबसाइट का आपको यहाँ यूआरएल डालना है। तो सिंपल से हम लोग ये यूआरएल को कॉपी करें, और आपको अपने केस में अपना यूआरएल डालना है तो ये याद रखना। उसके बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आप इंडिया के ही लोग होंगे, ठीक है, तो आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी कि दूसरे कंट्री से भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको फिर टिक करना है और ऐड पब्लिकेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमारा ये न्यूज़ पब्लिकेशन में एक आपका नाम आ चुका होगा। अब आपको जाना है सिंपल से गूगल न्यूज़ के अंदर। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ एडिट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पहले आपको वेरीफाई करना है कि आपने ही ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, गो टू पब्लिशर सेटिंग, पब्लिकेशन सेटिंग। इसके बाद आना है, और देखिए यहाँ पर अनवेरीफाइड दिखा रहा है ये डोमेन। आपको सिंपल से यहाँ पर वेरीफाई इन सर्च कंसोल में क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा, क्योंकि आपका सर्च कंसोल में मैं होप करता हूँ लॉग इन होगा। अगर नहीं है ऐसा तो आपको सिंपल से न्यू टैब में सर्च कंसोल सर्च करके पहले उसमें लॉग इन कर ले, उसके बाद ही ये वाला स्टेप फॉलो करें, तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई कर लेगा। सेकेंड कंडीशन में आते हैं, आपको अपने वेबसाइट की और यूआरएल्स डालनी है कि नहीं, ठीक है, तो हमको डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सिर्फ डोमेन का नाम दीजिएगा, ठीक है, जैसे मेरा ये डोमेन है। या गाइस देखिए ये एडिशनल यूआरएल आपको तभी देना है जब आपके एडिशनल डोमेन्स अवेलेबल हो, ठीक है। अभी इस ब्लॉगर में मेरा कोई एडिशनल डोमेन नहीं है, बट अगर होता तो मैं सिर्फ इतना सा डोमेन देता, blogspot.com जैसे है मेरे कंडीशन में, तो मेरे कंडीशन में होगा वो newsandtech.in। तो समझ रहे, मतलब सब डोमेन नहीं देके मैं मेन डोमेन यहाँ पास कर देता बस, ठीक है। तो ये यहाँ ब्लॉगर के वेबसाइट पर नहीं है, तो ये स्टेप को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल से अब आपको जाना है प्राइमरी लैंग्वेज, यानी आपके ब्लॉग का लैंग्वेज क्या है। मेरे ब्लॉग का लैंग्वेज फिलहाल इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको करना ये है कि सेव में क्लिक कर दें। सेव करने के बाद हमको नेक्स्ट में जाना है। अब देखिए गाइस आपको यहाँ पर एक लोगो अपलोड करना होता है जो कि रेक्टेंगुलर साइज का हो,
ठीक है। और गाइस इसका विड्थ मिनिमम होना चाहिए 200 पिक्सल एंड 20 पिक्सल हाई, ठीक है। अब हमको इसको क्रिएट करना है, और यहाँ पर जेपीजी का जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पर दिया है 512 पिक्सल। तो हमको जाना पड़ेगा सिंपल से, आप एक को मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, आप चाहे तो पेंट से भी बना सकते हैं, या चलिए पेंट में ही बना लेते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, पेंट पेंट एप्लीकेशन तो मोस्टली सब जगह होता ही है। इसको हम लोग आएंगे और सबसे पहले हम लोग रीसाइज में क्लिक करेंगे। यहाँ पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करने के बाद हमको यहाँ डालना है 512 पिक्सल, और नीचे आने के बाद भी हमको डालना है 512 पिक्सल। तो देखिए दोस्तों, आप बहुत जगह बना सकते हैं, मैं पेंट आपको बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो कैनवा यूज कर सकते हैं, या और आपके जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। बस साइजेस का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमको करना ये है कि हमको यहाँ पर एक बैकग्राउंड चाहिए जो कि लाइट हो, और यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल देते हैं अपने ब्लॉक का नाम। इसका मैं सबसे पहले जो साइज है वो 100 कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिखूंगा, और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, तो टेक्स्ट का कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ। आप वेबसाइट का नाम मैं सिंपल से लिख दूंगा, विजुअल थीम, हाँ। तो अब जो है आपको एकदम अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने लिखा सही है, बस इसको ऐसे बड़ा करने की देरी है। बस देखिए, मेरा एकदम टेम्पररी दिखाने के लिए यही काम है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लूंगा, और इसको फिलहाल मैं डाल देता हूँ थंब नाम से, या आप चाहें तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, स्क्वायर लोगो। तो आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं, स्क्वायर लोगो। और सेव करने के बाद गाइस आपको मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आप जो स्क्वायर लोगो यहाँ रखने वाले हैं, जो आपके रिप्रेजेंट करेगा पब्लिकेशन को, वो ही स्क्वायर लोगो आपके फेव आइकन में होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपने ब्लॉगर के सेटिंग में आके यहाँ पर जो फेव आइकन है इसमें क्लिक करने के बाद ये पहले वहाँ अपलोड कर लें। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर लोगो के नाम से है, आपको अपना एक फेव आइकन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो पब्लिकेशन में एक्सेप्ट ही नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएंगे, ये एक ही बात हुई, ठीक है। अब ये स्क्वायर लोगो को मैं सेव कर देता हूँ, ये यहाँ पर 1 से 2 मिनट लगता है सेव होने के लिए, और वो मेरे को पता है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आ गया देखिए यहाँ पर फेव आइकन, और वही फेव आइकन आपको यहाँ अपलोड करनी है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तो हुआ है मेरे साथ, ठीक है। आपको यहाँ स्क्वायर लोगो में ये अपलोड करना है, और यहाँ पर डार्क थीम और लाइट थीम में आपको कौन सा रेक्टेंगल लोगो रखना है, तो ये भी आपको यहाँ पर, लाइट थीम के लिए मैं सिंपल से यही वाला अपलोड कर देता हूँ, और पहले देखते हैं कि अपलोड होगा कि नहीं। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन डार्क थीम के लिए मैं चाहता हूँ कि इसका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो हम लोग सिंपल से इसका बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट को व्हाइट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए ओके, कोई नहीं, टेक्स्ट का कलर अभी डार्क नहीं है, पर हम लोग एक काम करते हैं, इसी को डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे को पता है दोस्तों आप लोग बना लेंगे ऐसा, ये बस डेमो के लिए ही है, डार्क थीम के लिए थोड़ा सा मैं इसको और डार्क शेड दे दिया हूँ, और इसको इधर अपलोड कर देता हूँ। तो इससे होगा ये, जब गूगल न्यूज़ में कोई डार्क थीम से आएगा तो उसको ये वाला आपका इमेज दिखेगा। इसके करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से इसको सेव में क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको बैक आना है, और गूगल न्यूज़ में आने के बाद यहाँ पर आपको अब एडिट में क्लिक करना है। अब देखिए, आपको सबसे पहले अपने पब्लिकेशन के डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन आपने अपने
सेटिंग में मेटा डिस्क्रिप्शन के नाम से डाला होगा। एक सेकेंड में देख लेता हूँ किस नाम से है वो। देखिए यहाँ पर मेटा टैग्स में आने के बाद देखिए आपको एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसको एनेबल की कर लीजिएगा। और यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन में आप 150 वर्ड्स का एक अपना डिस्क्रिप्शन बनाइएगा। जैसे कि आपकी अगर हेल्थ वेबसाइट है तो आप लिखेंगे दिस वेबसाइट सर्व्स अबाउट हेल्थ न्यूज़ करेंट अफेयर्स। आप चाहें जैसा अपना डिस्क्रिप्शन बनाएंगे वैसा आप लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ डेमो वेबसाइट विथ वोल्टा थीम ऑन इट। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसको सेव कर दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन का सेम होना थोड़ा सा जरूरी है गाइस। इसके बाद पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन में आके आपको यहाँ पर सेम डिस्क्रिप्शन देने हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड कर सकते हैं। कैटेगरी में दोस्तों आपकी जिस नीच में वेबसाइट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिलहाल मेरी वेबसाइट की कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए है, तो मैं यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट अगर हिंदी में हुआ मान लीजिए, तो हिंदी में होगा तो हिंदी में तो ऑल सारी कंट्रीज तो नहीं पढ़ती हिंदी में, है ना। तो आप उसको चाहें तो अगर न्यूज़ से लिखते होंगे इंडियन न्यूज़, तो आप तो चाहेंगे ना कि सिर्फ इंडिया वाले ही जल्दी से जल्दी देख लें, ठीक है। तो आप इसको वर्ल्ड वाइड ना रखें। अगर आप कंटेंट स्पेसिफिकली आप किसी एक लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु तमिल ये सब फॉरेन में शायद उतना नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ देख के चूज करना है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको वर्ल्ड वाइड रहने दें, ठीक है। और प्रॉपर्टीज आप चाहें तो सारी सिलेक्ट कर दें, ओके। देन ट्रैकिंग की बात आती है, तो गाइस जैसे कि आपको पता है यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी यानी आईडी हमको डालनी है। इसको डालने के लिए मैं आपको बता दूँ आपको गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसकी एक वीडियो आपको पता होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पॉज करके वीडियो पहले वो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी यूट्यूब में। और अगर आपको पता है तो आपका अकाउंट होगा गूगल एनालिटिक्स में, या आप चाहें तो इसको नहीं भी ट्रैक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नहीं तो अगर आपको जानना है इसको प्रॉपर्टीज को कैसे लाना है तो मैं आपको अपना एनालिटिक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। गूगल में एनालिटिक्स देखने के लिए आपको अपना एनालिटिक्स अकाउंट खोलना है और नीचे एडमिन पैनल में जाना है। यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी आपकी दिखेगी उसके ट्रैकिंग कोड में जाना है, और ट्रैकिंग कोड में जाने के बाद आपको ट्रैकिंग कोड में सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको जो ट्रैकिंग आईडी दिखेगी वही आपकी ट्रैकिंग आईडी होगी। मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रैकिंग आईडी अगर लीक हो गई तो कोई भी इसके यूज गलत कर सकता है, ओके गाइस। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि गूगल एनालिटिक्स अभी डालना है, आप चाहें तो इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ कंटेंट सेक्शन में आपको अपना सेक्शंस बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं न्यू सेक्शन में क्रिएट करूँगा और फीड यूआरएल का यूज़ करेंगे। फीड में हम लोग टाइटल ही दे देते हैं फीड्स, और यहाँ फीड का यूआरएल आपको पास करना है। हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया था, इसको हम लोग सिंपल से वापस से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद व्यू एक्सेस में आपको एनीवन रखना है, अगर आप इसको अनसिलेक्ट कर देंगे गलती से तो दिक्कत हो सकती है। इतना करने के बाद आपको ऐड में क्लिक करना है और आपको फिर सेव कर देना है। अब देखिए गाइस यहाँ आर्टिकल्स में आपको फिलहाल देर इज नो आर्टिकल्स इन दिस सेक्शन दिखा रहा है क्योंकि हमारे आर्टिकल्स अभी इसमें लोड नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग पब्लिशर सेंटर में जाएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आर्टिकल्स खुद से आ जाएंगे। आपको गाइस थोड़ा सा पेशेंस करना है क्योंकि ये लोड लेता है।
जब तक ये लोड हो जाए हम लोग एक काम और कर लेंगे, हम लोग जो है अपनी एक और फीड का यूआरएल डाल देंगे। तो फीड यूआरएल डालने के लिए आपको सिंपल से एक वापस से अपने फीड बर्नर में आना है, ओके। और यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपका एक और फीड का यूआरएल दिखेगा, इसको आपको कॉपी करना है और वापस से यहाँ आना है पब्लिशर सेंटर में। न्यू सेक्शन में जाने के बाद आपको एक फीड बनानी है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ फीड टू। यहाँ पर आपको वो वाला लिंक पेस्ट कर देना है और इसको भी ऐड कर देना है और इसको सेव में क्लिक कर देना है और इसके बाद हम लोग वापस से रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमारे सारे आर्टिकल्स यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। और आपको अब इसको रिव्यू के लिए सबमिट करना है, ठीक है। आपने मेरे हिसाब से सब कुछ सेट कर लिया ब्लॉगर के हिसाब से, बस ये ट्रैकिंग आईडी आपको एक बार बाद में देख लेनी है, या आप चाहें तो बाद में अपडेट कर सकते हैं। रिव्यू एंड पब्लिश में आने के बाद गाइस इसको आप एक बार रिव्यू रिव्यू में क्लिक कर लेंगे। हाँ जी, तो एक और दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पर हम लोग पब्लिशन सेटिंग मतलब पब्लिशर सेंटर के होम पेज में आएंगे तब आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड करने बोल रहा है। तो आपको सिंपल से अपने पब्लिकेशन सेटिंग्स में आना है और नीचे आने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट ऐड कर देना है। कॉन्टैक्ट में और इसको ऐड कर दूंगा और सेव में क्लिक करना है। इससे होगा ये जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा, होता है कई बार कि आपको नहीं आता ईमेल बट मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कंटेंट सेक्शन में हमको एम्प्टी सेक्शन मिल रहा है एक, तो हम लोग उसको भी एक बार देख लेंगे। तो कंटेंट सेक्शन में हमको कौन सा आर्टिकल नहीं मिल रहा है ये भी अभी चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं अभी के लिए ये वाला फील्ड में आर्टिकल्स नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर लूँगा। मेरे को पता है आप लोग बोर हो चुके हैं अभी तक, बट करना पड़ता है। और इसके बाद रिव्यू एंड पब्लिश में आने के बाद फिर से एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा और इसके बाद आपको इनकी टर्म्स एंड सर्विस को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट ईमेल, टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद ये चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद ही आपका सबमिशन हो जाएगा। मैं फिर से नाम के लिए डेमो डाल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट के लिए मैं वापस से जो कॉन्टैक्ट अभी यूज़ किया हूँ वही लिखूंगा। टाइटल में डाल देता हूँ वेबसाइट, माय वेबसाइट, और ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपना ब्लॉग का नाम ही डालना है आपको, जैसा मेरा अभी डेमो ब्लॉग है तो बस डेमो, और इसको सबमिट में क्लिक कर दूंगा और फिर पब्लिश आपको कर देना है। हाँ जी, तो ये रिव्यू के लिए चला गया है, ओके। और अब मेरे को ये वेबसाइट को तो नहीं डालना है क्योंकि ये पूरा कॉपीड है तो ये कंटेंट तो अप्रूव नहीं होगा, पर ब्लॉगर के लिए यही टेक्निक है कि कैसे आप लोग अपने गूगल न्यूज़ के लिए पब्लिशर सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत लंबी थी, बहुत मेहनत लगी बनाने में, तो सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, होप करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और तब तक के लिए बाय।